अनिल त्रिपाठी जी को मेहदावल से भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की तरफ से जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है। संत कबीर नगर अनिल त्रिपाठी जी पहुंच गए हैं, जहां जो है उनका भव्य स्वागत किया गया और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब अनिल त्रिपाठी जी से ही जानते हैं कि आखिर क्या प्राथमिकताएं होंगी, इनको टिकट मिला है क्षेत्र में, इनकी रणनीति क्या होगी। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में अनिल जी आपका। जी बहुत धन्यवाद हेमंत जी। क्या मानते हैं कि कौन कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, बीजेपी और निषाद पार्टी ने आपके ऊपर इतनी बड़ी चुनौती जो है डाली है, और इससे कैसे उबर पाएंगे और कैसे जीत हासिल करेंगे? देखिए, मेरा जो पिछला राजनीतिक सफ़र रहा है, मेरा जो संघर्ष रहा है, और मैंने विगत 20 सालों में जो क्षेत्र की जनता की सेवा की है, उन सबको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया। मैं इसके लिए आदरणीय जेपी नड्डा जी को, आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी को और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो मेरी प्राथमिकताएं, अभी तो देखिए चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए और मुझे भरोसा है, क्योंकि जब तक टिकट नहीं घोषित हुआ था तब तक लोगों में बहुत बेचैनी थी। टिकट घोषित होने के बाद जो एक हर्ष की लहर दिखाई दे रही है, जन जन में एक हर्ष की लहर दिखाई दे रही है, उस लहर का परिणाम है कि आज मैं आप लोगों के बीच में ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अब तक के इतिहास में जो भारतीय जनता पार्टी को मेहदावल विधानसभा से सफलता मिली है, उससे भी ऊपर जा करके मुझे सफलता मिलेगी। और जो मेरी प्राथमिकता है, मेरी सिर्फ एक प्राथमिकता है कि मेरे क्षेत्र के हर व्यक्ति, चाहे वो जिस भी समुदाय का हो, छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति की तरक्की और हर व्यक्ति की खुशहाली ये बढ़े, इसके लिए मुझे काम करना है। और मैं जानता हूँ कि लोगों की खुशहाली बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक रूप से, उनको सामाजिक रूप से सुदृढ़ करना होता है, और इसके लिए क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, सड़कें, विद्युतीकरण, बिजली की सुविधा और जो आम आदमी की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं वो सुलभ हो। खुशहाली के लिए जरूरी है कि लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले और रोजगार के साधन विकसित हों। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाएंगे आने वाला वक्त। अनिल जी, क्या मानते हैं कि जब तक निज़ाम बहुत बदले लेकिन मेहदावल की स्थिति जैस की तस अभी भी है? इसके पीछे कारण ये था कि जो नेतृत्व जिनको भी मिला, उन्होंने संभवतः ये सोचा कि जनता ने चुन लिया है, अब हमारा काम विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो कुछ है नहीं, जो आएगा सरकार से आएगा। उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, जबकि वो करते तो शायद बेहतर कर सकते थे। आपको किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए प्रयत्न करना होता है, और हमारी सरकार आने वाली है 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से आने वाली है। जो हमारे माननीय योगी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने कहा है, अब की बार 300 के पार, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं कहा है। 300 पार तो पिछले बार भी रहा है, तो 300 पार इस बार भी रहेगा, क्योंकि हर मोर्चे पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाने का हो,
चाहे वो लोगों को आवास, लाखों लोगों को आवास दिया गया, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आज हर घर में विद्युतीकरण है। 5 साल 7 साल पहले आप जिस पूर्वे पे जाते थे, हम लोग अक्सर लोगों के बीच जाते थे तो ये शिकायत मिलती थी कि साहब हमारे यहाँ तो बिजली नहीं आई, पोल नहीं लगा, लगवा दीजिए। तो हम लोग बहुत जुगाड़ करके 2-4 पोल गिरा करके लगवा करके लोगों को उपलब्ध कराते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसी कोने कोने में आप जाएंगे तो आपको हर जगह विद्युतीकरण का कार्य पूरा मिलेगा। समाजवादी पार्टी भी तो निशाना साध रही है कि वो भी, उसका भी तो आरोप है कि उसका कहना है समाजवादी पार्टी का कि वो भी 400 के पार जाएंगे। भाई 400 के पार तो 3 बचता है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपना कहने का अधिकार है, हर व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन परिणाम क्या होगा वो सामने आएगा। जनता से अपील क्या करना चाहे? जनता से तो यही अपील करना चाहता हूँ कि लोग बहुत ही स्पष्ट नज़रिए से और समझदारी से अपना मतदान करें, 100% मतदान करें और उन्हें चुनें जिनके द्वारा उनका कल्याण हो, उन्हें ना चुने जिनके द्वारा ठेकेदारी और लूटपाट की जो परंपरा अनेक जगहों पर रही है वो परंपरा आगे बढ़े। अनिल त्रिपाठी जिंदाबाद। ये अनिल त्रिपाठी जी हैं जो मेहतावल से निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त रूप से प्रत्याशी हैं और उनका साफ तौर पे मानना है कि जो पीछे 5 साल में जो काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उसके मद्देनजर जनता जो है एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर।